फिलहाल रुख कर लेते हैं अगली खबर का। दलित बुजुर्ग से बदसलूकी का मामला गरमाता हुआ नजर आ रहा है। 20 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। शर्मसार करने वाली घटना के बाद हरकत में आया प्रशासन और चित्तौड़गढ़ के दुगार गांव से जुड़ा मामला बताया जा रहा है। धार्मिक आयोजन के दौरान गलत बयान पर पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने सिर पर जूता रखकर माफी मंगवाई। माफी मंगवाने का वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। दलित संगठनों ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही तस्वीर है जो लगातार अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। दलित बुजुर्ग से की गई है बदसलूकी। सिर पर रखवाए गए जूते और जूते रखवाकर मंगवाई गई है माफी। और ये मामला सामने आने के बाद 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। हरकत में आया प्रशासन। चित्तौड़गढ़ के दुगार गांव का ये मामला है। धार्मिक आयोजन के दौरान गलत बयान पर पंचायत बुलाई गई और पंचायत ने बुजुर्ग से सिर पर जूते रखवाए। बुजुर्ग के सिर पर जूते रखवाए और उसके बाद हाथ जोड़कर मुआफी मंगवाई गई है। और तस्वीरें आपके सामने, ये वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। और आपको जानकारी दें कि अब ये मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, ये भी जानकारी सामने आ रही है। दलित संगठन इस मामले को लेकर अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो कि दुगार गांव की है। और ये वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने एक्शन लिया है। कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और कई लोग ऐसे इनकी गिरफ्तारी कर ली गई। 3 बताए जा रहे हैं, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। 7 से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 3 आरोपी। और ये मामला अब आगे गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो दलित संगठन इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ के दुगार गांव से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। मुआफी मंगवाई गई है दलित बुजुर्ग के सिर पर जूता रखवाकर। गलत बयान और उसके बाद पंचायत बुलाई गई। पंचायत की शर्मनाक हरकत आप कह सकते हैं जो इस रूप में सामने आई है कि बुजुर्ग के सिर पर जूता रखवाया है और उसके बाद हाथ जोड़कर मुआफी मंगवाई गई है। और उसके बाद जब वीडियो वायरल हुआ है तो प्रशासन हरकत में आया है। प्रशासन ने 20 लोगों के खिलाफ यहां पर एक्शन लिया है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब दलित संगठन इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। धार्मिक आयोजन था और इस आयोजन के दौरान गलत बयान दिया गया। गलत बयान पर पंचायत बिठाई गई। पंचायत ने यहां बुजुर्ग से हाथ जोड़कर माफी मंगवाई गई। ना केवल माफी बल्कि सिर पर जूता रखकर माफी मंगवाई गई है। तो दलित बुजुर्ग से बदसलूकी का ये मामला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। तो किस तरीके से यहां देखिए, शर्मनाक हरकत सामने आई है। यहां शर्मनाक हरकत सामने आई है। पंचायत ने यहां बुजुर्ग के सिर पर जूता रखवाकर माफी मंगवाई गई है और अब ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये किस तरह का यहां इंसाफ है कि गलत बयान पर सिर पर जूता रखवाकर माफी मंगवाई जा रही है। और जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है पुलिस हरकत में आई है और 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। चित्तौड़गढ़ के दुगार गांव का ये मामला है। तस्वीरें जो लगातार वायरल हो रही हैं आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। और मेरे सहयोगी सलमान का मैं रुख करना चाहूंगी इसी खबर पर। और ज्यादा जानकारी लिए इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव मौजूद हैं सलमान से। हम जानेंगे कि तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से दलित बुजुर्गों के सिर पर जूता रखवाकर माफी मंगवाई जा रही है। और जैसे ही सलमान, ये वीडियो वायरल हुआ है, कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है, और क्या ताजा अपडेट है? जी मैं बता दूं कि ये पूरा मामला है, ये करीबन 5 से 6 महीने पुराना है। ये गांव में कथा हुई थी। उस कथा के दौरान उन्होंने देवनाथ भगवान के, जो उनके आराध्य देव हैं, उनके देवनाथ भगवान सलमान का लगता है फ्रेम या फ्रीज हो गया है। फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन लगातार ये मामला गरमाता हुआ इस रूप में नजर आ रहा है कि अब दलित संगठन ने रोष जाहिर किया है। दलित संगठन इस मामले में अब कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हालांकि पुलिस हरकत में आई है ये वीडियो वायरल होने के बाद, जो कि लगातार मैं आपको दिखा रही हूं टीवी स्क्रीन पर। लगातार वीडियो वायरल हो रहा है। दलित बुजुर्ग से बदसलूकी की गई और इस रूप में की गई बदसलूकी के सिर पर जूता रखवाया गया है, जूता रखवाकर माफी मंगवाई जा रही है। ये कहां का इंसाफ है कि अगर गलत बयानबाजी आप करेंगे तो आप भरी पंचायत में हाथ जोड़कर माफी और ऊपर से जूता रखकर सिर पर? ये हरकत शर्मनाक है।
और अब जैसे ये वीडियो वायरल हुआ है, यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लिया है, 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है, 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब इस मामले में दलित संगठन कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहा है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया और प्रशासन हरकत में आया, उसके बाद देखिए बुजुर्ग हाथ जोड़कर मुआफी मांग रहा है, यहाँ पर सिर पर जूते रखवाकर माफी मंगवाई जा रही है। धार्मिक आयोजन के दौरान गलत तथ्य बोलने को लेकर पंचायत बिठाई गई और पंचायत ने यहाँ माफी इस रूप में कि सिर पर जूता रखिए, हाथ जोड़िए और उसके बाद माफी मांगिए। सहयोगी सलमान एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी लिए। सलमान अपनी बात पूरी कीजिए आप। सलमान सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बात पूरी कीजिए सलमान। ये पूरा जो मामला है ये है 3 से 4 महीने पुराना बताया जा रहा है और एक गांव के अंदर साधु माता जो बगड़ावत होती है इनको लेकर एक कथा का आयोजन किया जा रहा था। उसी समय साधु माता को लेकर कोई गलत तथ्य सामने रख दिए थे और उसके बाद में एक वीडियो वायरल हो गया था। इसके बाद में जो गुजर समाज है उनके लोग यहाँ दुगार गाँव में इकट्ठे हुए और इन गुजर जो पीड़ित है इनको बुलाया गया और इनके सिर के ऊपर जूते रखकर और माफी मंगवाई गई। जी पुलिस ने इस मामले में एक्शन के तौर पर अभी क्या कार्रवाई कर रही है? जी अभी तक इस मामले में 10 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज हुआ है और इसके जो 3 जो आरोपी जो है इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है अभी तक। क्योंकि यहाँ बुजुर्ग ने गलत तथ्य दिए धार्मिक आयोजन के दौरान। सलमान एक तरफ जहाँ अब भारत चंद्रयान चांद पर पहुंच चुका है, हम इतनी तरक्की कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह के दकियानों की सोच कि पुलिस थाने में कंप्लेन दर्ज कराने के बजाय आप पंचायत बुला रहे हैं और पंचायत में इस तरह की सजा कि सिर पर जूता रखिए और हाथ जोड़ के माफी मंगवाइए, ये कहां का इंसाफ है? बिल्कुल ये जो है ये पूरा एक तरह देखा जाए तो जो एक दलित जो है उसको लेकर ये पूरा मामला है और इसमें जो आगे गांव की पंचायत 4-5 गांव के लोग यहाँ एकत्रित होते हैं और उस व्यक्ति को बुलाकर वहाँ सबके सामने इस तरह से अगर जूते रख के माफी मंगवाई जाती है तो ये बहुत बड़ा इश्यू भी है। तो ऐसा दलित संगठन क्या कह रहा है? जी पुलिस का इस मामले में अभी तक जो अनुसंधान वो जारी है और 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 3 लोगों को अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सलमान दलित संगठन रोष जाहिर कर रहा है, उनकी क्या मांगे हैं, वो क्या कह रहे हैं? देखिए दलित संगठन का जो मांग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि जो लोग इसमें दोषी है उनको तुरंत गिरफ्तारी करें, ये इनकी मांग है। इनको लेकर अभी कितने 2 दिन से यहाँ अलग अलग संगठनों ने चित्तौड़गढ़ के SP साहब उनको भी ज्ञापन दिया है, जिला कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, तो निश्चित तौर पर जो है वो इनको जो दोषी है उनको गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। जी अच्छा पीड़ित की ओर से क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर, पीड़ित का क्या कहना है? देखिए अभी तक पीड़ित की ओर से जो यहाँ लोग आए हैं वो भी इस गांव के ही आसपास के रहने वाले हैं तो एक परिवार है वो पूरा डरा हुआ है कि जब ये वीडियो वायरल हुआ इसके बाद उनको काफी धमकियां भी मिली है। ठीक है, शुक्रिया आपका सलमान मंसूरी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।